नमस्कार, स्वागत है आपका डेली डायरी न्यूज में। बिग बॉस प्रतियोगी प्रियांक शर्मा की मुसीबतें खत्म होने का नाम नहीं ले रही। आकाश ददलानी के साथ मारपीट करने के बाद बिग बॉस के घर से बाहर होने वाले प्रियांक शो में दोबारा लौटे तो एक बार फिर से मुसीबत में घिर गए। अब शो की एक और प्रतियोगी प्रियांक पर FIR करने की योजना बना रही है। इस बार मुसीबत सिर्फ प्रियांक के सर पर नहीं आई बल्कि सपना चौधरी और कलर्स टीवी भी इसके लपेटे में आ गया है। दरअसल ये सब सपना और अर्शी खान के बीच हो रही लड़ाई के बीच हुआ। सपना और अर्शी झगड़ा कर रहे थे और प्रियांक ने सपना और अर्शी के झगड़े में टांग अड़ाई। प्रियांक ने सपना को सलाह दी कि वो पुणे और गोवा बोले। इसका असर ये हुआ कि अर्शी पहली बार बिग बॉस हाउस में फूट फूट कर रोने लगी। इससे ज्यादा वो इस बात को लेकर शॉक्ड थी कि सपना को इस बारे में कैसे पता चला। वो प्रियांक के पास गई और उन्हें कहा जिस बारे में उन्होंने बात की है वो लीगल केस है और अभी भी इस केस की लीगल लड़ाई चल रही है, तो उन्हें इसकी अनुमति नहीं है कि वो इस बारे में बात करें। अर्शी ने ये भी कहा कि उनके माता पिता ये एपिसोड देखने के बाद उनसे कभी भी बात नहीं करेंगे। एक वेब पोर्टल की खबर के मुताबिक अर्शी के प्रचारक ने स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा बिग बॉस प्रतियोगी प्रियांक शर्मा, सपना चौधरी और कलर्स टीवी के खिलाफ हम FIR फाइल कर रहे हैं, जिस पर अभी भी कानूनी लड़ाई चल रही हो उसका नाम लेते हुए कैसे वो किसी महिला की डिग्निटी पर टिप्पणी कर सकते हैं।